कोरोना वायरस को हराने के लिए जहां देश भर में लॉकडाउन है, वहीं सबको घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। वहीं सफाई कर्मी ऐसे माहौल में भी अपना दायित्व निभाते हुए लगातार साफ सफाई के काम में जुटे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से हो रही सेवा के लिए आम आदमी भी सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहा है। बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 30 में पार्षद नीना सतपाल राठी ने सफाई कर्मियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सफाई कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और राशन भी दिया गया। सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए पार्षद ने हर कर्मी को अपनी तरफ से सहयोग राशि भी दी। सफाई कर्मचारी अपने सम्मान से खुश हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? आकाश नाम है। आकाश जी, क्या काम करते हैं, कैसा लगा? हम जी शिवर में है ना जी, शिवर का काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम जितने भी सफाई वाले लगा लो, पुलिस वाले सब काम कर चार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम जो नीना राठी जी, उनके लिए तय दिल से धन्यवाद जी, ठीक है जी। और जी भाई लग रहे हैं, हम लॉकडाउन को भगाएंगे और इसको हिंदुस्तान को बचाएंगे जी, धन्यवाद। आज क्या किया गया है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा की है देश के हर नागरिक से और हर कर्मचारी से, कि वो कोरोना महामारी की इस जंग में देश का सहयोग करें, उसी मुहिम में एक ये छोटी सी पहल थी हमारी ओर से। स्वास्थ्य कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को हमने छोटा सा इनका सम्मान किया है। और एक नगर पार्षद होने के नाते मैं ये अपील करती हूँ कि हर नागरिक का कर्तव्य बनता है आज जो देश की इस जंग में योद्धा लगे हुए हैं उनका सम्मान करें। इसी इनिशिएटिव में हमारी ये पहल थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस इनिशिएटिव के उसमें मैं अपना 5 वर्ष का मानदेय जो है वह प्रधानमंत्री राहत कोष में दे रही हूँ।